हेलो क्लास सिक्स, अगेन आई एम के एन मिश्रा, योर साइंस टीचर. वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस. क्लास सिक्स, एट प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर वन, विच इज सोर्सेज ऑफ फूड. बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. सारे एनिमल्स का, सारे ऑर्गेनिज्म का फूड एक जैसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आपका फूड पपी के फूड से डिफरेंट है. पपी का फूड च्यू एंड कट एनिमल के फूड से डिफरेंट है. काऊ से, बफेलो से, गोट से अलग है, डिफरेंट है. ऐसे ही लायन टाइगर का जो फूड है वो भी हम लोगों के फूड से डिफरेंट है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. तो इस पर डिपेंड करके हम एनिमल्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एनिमल्स में भी, नंबर वन, दोज हु ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, एक तरह के एनिमल वो हो सकते हैं. दोज हु यूज टू ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स जो प्लांट या प्लांट के पार्ट को केवल खाएं, उसी पर डिपेंड रहे, वो हो गए हर्बीवोर्स. सेकेंड, दोज ऑर्गेनिजम्स हु यूज टू ईट आइदर एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, सच एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इज दोज हु यूज टू ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ प्रोडक्ट्स. प्लांट एंड एनिमल बोथ प्रोडक्ट्स, दे आर नोन एज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स इतना समझ में आया? तीन तरह के एनिमल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फूड. एनिमल्स मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. अब अगली जो हेडिंग आपकी बुक में है वो ये है कि हमारा जो फूड आइटम है, जो फूड हम इंटेक करते हैं, वो फूड दोनों तरह के सोर्सेज से आ सकता है. इट मे कम फ्रॉम एनी प्लांट सोर्स और इट मे कम फ्रॉम एनी एनिमल सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, हियर दिस इज रिटन दैट दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम एनिमल्स लाइक एग, फ्लैश और मीट, हनी, मिल्क एंड फैट. दीज ऑल कम्स फ्रॉम एनिमल्स. वेर एज मैनी फूड आइटम्स कम फ्रॉम प्लांट्स लाइक, आपकी बुक में दिया हुआ है, लाइक फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. एक तरह के ये प्लांट्स हो सकते हैं. दूसरे तरह के प्लांट ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कोकोनट का ऑयल, जैसे मस्टर्ड का ऑयल, ग्राउंडनट का ऑयल, दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट. तीसरे हो सकते हैं स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पाइसेस मींस मसाले आपके किचन के. चौथे हो सकते हैं शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लाइक शुगर केन, बीटल रूट. और लास्ट हो सकते हैं मेडिकेटेड प्लांट्स, जो मेडिसिनल प्लांट्स, जो मेडिसिंस हमको प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, इसमें दिया हुआ है तुलसी, कोरिएंडर एंड सो मैनी प्लांट्स, नीम, यूकेलिप्टस एंड बेलाडोना. ऑल दीज आर मेडिसिनल प्लांट्स. क्लियर? सो मैनी फूड आइटम्स कम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. योर टूडेज होमवर्क इज, दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट, कंप्लीट दिस रिसर्च वर्क इन एक्टिविटी 1.6. कंप्लीट एक्टिविटी 1.6.
Here only three columns are filled, rest are unfilled. Rest columns are unfilled. This is activity 1.6. Fill these columns with pencil. इसी का थोड़ा सा पार्ट अगले पेज में भी है, नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे ये पूरा पेंसिल से आप फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है आपके बुक में, बाथिंग, ईटिंग एंड न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड क्या है? न्यूट्रिशियस फूड दैट फूड विच प्रोवाइड अस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इन प्रॉपर क्वांटिटी, दैट फूड इज नोन एज न्यूट्रिशियस फूड। वॉट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड? वॉट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड? आपकी बुक में इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। फूड हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। पहली बात, हमारा फूड ऐसा होना चाहिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। सेकेंड, फूड शुड बी लाइक सच दैट इट प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फूड ऐसा होना चाहिए जो एनर्जी प्रोवाइड करे। एनर्जी किस फॉर्म में हमको मिलती है पता है? ATP के फॉर्म में। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नाउ, फूड इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स। हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी सेल्स से मिलके बनी, हम बताए थे आपको, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। और हर सेल की एक लाइफ साइकिल होती है 120 डेज की, कुछ की और कम होती है 80 डेज की लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद ये सेल डेड हो जाती है, तो वहाँ पे नई सेल्स आती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग। तो सेल्स की या टिश्यूज़ की रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग के लिए फूड की नीड होती है। उसके बाद लिखा हुआ है, इफ़ गिवन इट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। सो फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट मैनी डिजीजेज लाइक एट प्रेजेंट फ्रॉम कोरोना डिजीज। अगर उस कोरोना डिजीज से बचना चाहते हैं तो आपको फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशियस फूड आपको इनटेक करना होगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है आपकी बुक में, कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आवर फूड। ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आवर फूड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, कहाँ कहाँ से फूड का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। डू योर होमवर्क इन टाइम एंड शेयर योर होमवर्क ऑन माई पर्सनल नंबर बिफोर 5 PM फॉर चेकिंग। दिस इज ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास 6।